चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस आ रही है? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। वॉइस मेरी आ रही है? लुबना, अनमोल, सभी लोगों का एक अब एक प्रॉपर बैच जो हम लोगों का चलना चाहिए यूपी पीजीटी के हिसाब से, झारखंड पीजीटी के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे हम इसको। और इसी बैच में आप लोग बने रहिएगा, बाकी आपके जितने भी साथी मित्र हों इसी बैच में जुड़िएगा, इसी में कंटेंट सेव रहेगा, कहीं नहीं जाएगा कंटेंट। इसीलिए इस बैच को हम लोग कंटिन्यू करने के मूड में है, क्योंकि कंटेंट आपका सेव रहेगा, कंटेंट मिलता रहेगा आपको। और ये हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे और स्टार्टिंग से ही बैच को कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग प्रॉपर वे में आते रहिएगा। 9 to 10 PM हमारा बैच 1 घंटे का डेली रहेगा। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको अपडेट किए देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मंडे टू फ्राइडे हम लोगों की क्लास रहेगी, सैटरडे को टेस्ट डे रहेगा, जिससे कि आपकी रिविज़न, आपकी डिटेल चलती रहेगी, जिससे प्रॉपर वे में आप तैयारी करें और एक अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। इसलिए ये पैटर्न किया गया और संडे को ऑफ रखेंगे। अगर संडे पढ़ाता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं उसको यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए और एक प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई हो, ये चीज़ को लेकर के मैंने इस बैच का जो है वो जनरेशन किया है। इसमें पुराने जो लोग हैं वो 15 अप्रैल तक वैलिड रहेंगे। 15 अप्रैल के बाद आप लोग आगे के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और जो लोग दिसंबर तक के लिए हो गए हैं वो दिसंबर तक के लिए रहेंगे। जो अप्रैल तक के, तो अप्रैल के बाद अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा, तो आप हमारे साथ चलते रहेंगे। तो इस समय 125 लोग हमारे इस बैच में हैं। 125 में से मुझे अभी कुछ कम लोग दिखाई दे रहे हैं। आ जाने दीजिए लाइन पर, फिर हम आपसे बात करेंगे। किसी को भी बात करना हो तो प्लीज़ आप मुझसे इजी वे में बात करिएगा, लेकिन जो भी मैटर आपका पर्सनल डिस्कशन हो वो इसी ऐप पर नहीं करिएगा। पर्सनल डिस्कशन हमारे साथ फ़ोन करके करिएगा। जो एजुकेशनल मैटर हो वो आप यहाँ पर डिस्कशन करिएगा, जितना भी है। ये मेरी आपके से रिक्वेस्ट है, और ना मैं पर्सनल आपसे कोई बात यहाँ पर करूँगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग रहती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पर्सनल मीन्स कि सर बैच की टाइमिंग ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये सब टाइम, ये अगर कभी भी कोई डिस्कशन होगा तो मेरी तरफ से मैं आपको जो है वो बता दूंगा कि भाई मुझे फ़ोन करिए और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो फिर अब ऐसा कर लेते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। देखें कौन कौन लोग आ चुके हैं जिनके चैटिंग में हम लोग हैं। एक तो रतनाम जी हैं, स्वाति जी हैं, कविता हैं, कंचन मौर्या हैं, अनमोल हैं, निशांत हैं, शिवानी हैं, ठीक है, लुबना है। चलिए ठीक, सभी लोग हैं। अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे लोग, जो लोग बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कौन कौन है। ध्यान देते हैं, प्रीति हैं झारखंड से, प्रीति तो है ही। चलिए ठीक, जो लोग हैं कोई नहीं, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से शुरुआत करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हम लोग शुरुआत करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कंटिन्यू रखिएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम लोगों ने पढ़ा था, इस समय जब हम पढ़ाएंगे आपसे तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन, मर्दन सिंह जी चरण स्पर्श साहब बोल रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करता हूँ, पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर कंटिन्यूटी हम बनाएंगे जैसा कि आपको बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक तो नॉर्मल वे में आपने पढ़ा ही होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? और नॉर्मल वे में पढ़ा ही होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सिंपल सा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो पढ़ा हो रिविजन हो जाएगा, इसलिए बीच बीच में बार बार ना परेशान होइएगा ना परेशान करिएगा, दोनों बातें हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल शुरुआत से चल लगेगा कि हम बिल्कुल इनोसेंट हैं। एक बार मैसेज में डाल के कर मुझे बताइएगा। सुधीर भैया खुश रहिए, आशीर्वाद बहुत बहुत। सबसे पहले मुझे बताइए, मैं आपको ये मान के आज पढ़ाना शुरू करूंगा कि आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं। ओल्ड वाली बातें ये कि ये पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ लिया होगा, ये सब बातें खत्म कर दूंगा आज। एकदम प्रॉपर वे में जो शुरुआत होगी वहीं से मैं करूंगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं? एक बार मैसेज पे कमेंट करिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कि बिल्कुल ये मान के चलूं कि आज हम नई पढ़ाई कर रहे हैं, नया पैटर्न से, नई स्टार्टिंग, नए बैच, है ना? इससे जब पढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि ज़्यादा मजा आएगा, एकदम बैच प्रॉपर वे में चलेगा। और ये सब वीडियो भी आपकी इसी इसी पर सेव रहेंगी, इसको आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, है ना? चलिए
ठीक है, ये जो मैंने बताया है इसको ध्यान रखिएगा, और आपको कुछ पूछना है तो छोटा मोटा हो तो मैसेज करिएगा, अदरवाइज आप चैटिंग पे जा करके करिएगा। ज़्यादा बात अगर बात करना है तो रेज योर हैंड का ऑप्शन आपको अब मिल रहा होगा, तो रेज योर हैंड का ऑप्शन आप यूज़ करिएगा, और रेज योर हैंड के ऑप्शन में आप आसानी से हमसे बात कर पाएंगे, तय है बिल्कुल, ठीक है ना। रेज योर हैंड का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, है आ रहा है रेज योर हैंड का ऑप्शन आ रहा है ना आपके में, आपके में आ रहा है। चलिए मर्दन सिंह जी, रेज योर हैंड का ऑप्शन आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे, जो लोग जिस बैच में, फिर रिमाइंड करा दूं, अगर आपका बैच जिस दिन एक्सपायर हो उसके बाद उसको अपडेट कर लीजिएगा, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये प्रॉपर वे में पैटर्न चलेगा हमारा। चलिए कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग बिल्कुल प्रॉपर वे में एकदम चलेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ क्लास की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये ना कहिएगा सर ये मुझे आता है या नहीं आता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। बस जब हम ये मान लेते कि हमें कुछ नहीं आता, तभी सीखने की क्षमताएं पैदा होती हैं, अदरवाइज सीखने की क्षमताएं हमारी पैदा नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा। देखिए जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जरूर जानना पड़ता है कि एकदम सिंपल वे में मैं आपसे बात करूं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम लोग एटम के बारे में जानते हैं तो सिंपल आपको पता भी होना चाहिए कि भाई ये मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस बना दिया, बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल शुरुआत से मैं चल रहा हूँ, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से ये ऑर्बिट होती है। अब ये बिल्कुल शुरुआत से चलूंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो रिविजन भी बढ़िया से हो जाएगा आपका। ये चारों तरफ हमारी ऑर्बिट हो गई, इलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने बना दी है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये एटम हो जाता है। एटम के अंदर अगर मैं नोटिस करता हूं तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये ऑर्बिट कहलाती है। तो मैंने यहां पर लिख दिया भैया ये हमारी ऑर्बिट है, और ये सेंट्रल पार्ट अगर मैं दिखाता हूं तो सेंट्रल पार्ट हमारा न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में कौन रहता है आपको अच्छे से पता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बातें आपको पता होंगी, तो ये मत कहिएगा सर पता नहीं। ऑर्बिट में कौन रहता है भैया, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ कि जो एटम है, एटम का जो मीनिंग होता है वो भी आपको पता है कि एटम का मीनिंग है नॉट डिविजिबल, जिसका डिविजन नहीं हो सके, है ना। ए मतलब होता है नॉट, यहाँ लिख देता हूँ नॉट डिविजिबल, जो डिवाइड नहीं हो सकता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। बिल्कुल सुनते रहेगा प्यार से, है ना। ए का मतलब होता है यहाँ पर नो, और जैसे आप 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ डीप तक जाऊंगा, डीप तक जाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। ए का मतलब होता है नो, और टॉम्स का मतलब होता है डिवीजन या पार्ट, यानी कि जिसके हिस्से नहीं हो सकते हैं उसको हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सा इसको, अब अगर मैं एटम की बात करता हूँ तो एटम के अंदर दो, एटम के अंदर अगर अगर मैं बात करूँ तो एटम के अंदर दो हिस्से कर दिए गए, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, लिख देता हूँ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट लिख दिया, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है वो हो गया आपका ऑर्बिट, जिसे हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम अगर आप देखना चाहो तो दूसरा नाम इसका शेल भी होता है, दूसरा नाम इसका क्या होता है, शेल भी होता है। और तीसरा नाम अगर आप देखना चाहें तो एनर्जी लेबल भी होता है, एनर्जी लेबल भी होता है। तो ये बात ध्यान दीजिए, इनके सभी नाम है, ऑर्बिट है, शेल है, एनर्जी लेवल है ना। तो अब इसके बाद न्यूक्लियर पार्ट होता है, न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस को कहते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर पार्ट, और न्यूक्लियर पार्ट किसे कहते हैं भैया, न्यूक्लियस को कहते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन रहता है आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो रहते हैं प्रोटॉन, और शायद आपको अच्छे से पता होगा कि दूसरे भैया रहते हैं न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो ये अब आपको भी लग रहा होगा यार अनुसर जो है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, तो मैं आपको मान ही के चल रहा हूँ कि शुरुआत हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो ये मैंने एक एटम से रिलेटेड बात की, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एटॉमिक कंसेप्ट है, मैटर का जो कंसेप्ट है, वो जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था। जहाँ से एक्सप्लेनेशन, इससे पहले तो बहुत सारे कणाद और ये सब बहुत सारे ऋषियों ने भी किया था, लेकिन हमें वहां तक नहीं जानी है केमिस्ट्री हमारी, केमिस्ट्री हमारी चलेगी जो पीजीटी लेवल पे है वो काम करती है, यहीं से जॉन डाल्टन से ही काम करती है। ये एक पार्टिकल बिहेवियर भी था, हाइजनबर्ग ने बताया था कि भाई पार्टिकल नेचर के साथ साथ ये वेव नेचर भी प्रोड्यूस करता है। इन सब बातों से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेंगे। ये पीडीएफ भी मैं आपको देता जाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं,
यही पीडीएफ मैं अपलोड भी करूंगा, तो लिखने की जरूरत भी मर्दन सिंह अब नहीं पड़ेगी आपको। मैं उस पैटर्न पर लेकर के आया हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, तो लिखना भी आपको नहीं पड़ेगा। चलिए, अब कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी पता रहे। नंबर 1, सबसे पहला वैज्ञानिक हमारे सामने आ रहा है जॉन डाल्टन। अगर डाल्टन लिखो तो पूरा, नहीं तो डाल्टन, चलिए मैं शॉर्ट अब लिख गया, तो डाल्टन की मैं बात कर लेता हूँ। डाल्टन साहब जो थे, इन्होंने 18, जो मैंने नोट, मैंने आपके लिए प्रॉपर वे में नोट्स की प्रिपरेशन की है, इनकी इनका जो श्रेय जाता है, इनका डिस्कवरी ऑफ एटम पे जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ एटम, अगर किसी का रिस्पॉन्स दे तो डिस्कवरी ऑफ एटम। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता भी है, अगर आपको याद होगा तो कभी कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। जूलियस प्लकर की अगर मैं बात करता हूँ, तो जूलियस प्लकर ने जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ जूलियस, जूलियस प्लकर की मैं बात करता हूँ, तो जूलियस प्लकर ने क्या किया था ये भी आपको पता होगा कि इन्होंने कैथोड रेज का सबसे पहले, यानी कि जो फर्स्ट डिस्कवरी है वो कैथोड रेज की, जूलियस प्लकर की ही जाती है। तो यहाँ पर मैं कैथोड रेज लिखे दे रहा हूँ, कैथोड रेज लिखे दे रहा हूँ, तो ये मैंने कैथोड रेज लिख दिया है। और बाकी आपको पता है कि बाकी डिस्कवर, ये मुझे दो इंपॉर्टेंट समझ में आए जो मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड, ये सब मैं आगे लिखूंगा ही लिखूंगा। मर्दन सिंह जी, बात कुछ मेरी समझ में आ रही है? तो अब मैं बनाता हूँ अपना बॉक्स, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल। आपको पता होना चाहिए कि एटम जो होता है इसके अंदर वैसे तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। मर्दन सिंह जी, आज आपको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल लो लेवल से चले हैं, स्टार्टिंग लो लेवल से की है मैंने। बाकी लोग भी अपना एक बार कमेंट जरूर बताएं कि सर ने जो स्टार्टिंग की है कि बिल्कुल डाउन से चल रहा हूँ, डाउन से चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं वही अपना 3 बिल्कुल पुराने आइडियाज पे लाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स मेरी जा चुकी हैं, इसलिए उन रिकॉर्डिंग को बरकरार मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं पार्टिकल का नाम लिख दूंगा अच्छे से, यहाँ पार्टिकल का नाम लिख दूंगा, यहाँ आपका पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी होगा। यहाँ पर मैं मास की बात कर लूंगा, तो यहाँ पर मैं मास लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं उनका चार्ज लिख दूंगा, है ना, यहाँ पर चार्ज लिख दूंगा, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू के साथ में लिखूंगा, और यहाँ पर उनके डिस्कवरर के बारे में लिख दूंगा, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इनके। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ कि भाई हम पार्टिकल के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पार्टिकल कौन सा होगा वो आपको बताया दे रहा हूँ। यहाँ पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो यहाँ मैं पार्टिकल्स भी लिख दूंगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मास लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पर मैं बात करूंगा तो फिर चार्ज की बात करूंगा। तो बिल्कुल अप टू डेट रहिए, एकदम आपकी स्टडी परफेक्ट होगी, और कहने के साथ साथ आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। डिस्कवरर की बात होगी, डिस्कवरर की बात होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर शुरुआत हो गई, है ना। चलिए कंचन जी, थैंक यू, आपके जो है कमेंट मुझे आते रहेंगे, समझ में आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन अब ऐसे बता दूंगा, क्योंकि अब यहाँ इतना इतना भी नीचे नहीं जाऊंगा कि मैं लिखूँ यहाँ पर प्रोटॉन हो गया और यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गया, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद इनके अगर मास की बात करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए मास अगर मैं इसका किलोग्राम या ग्राम में देता हूँ, तो 9.1 × 10⁻³¹ kg हो जाता है। ग्राम में करना तो 28 ग्राम कर लीजिएगा। और अगर इसके मास की बात करता हूँ प्रोटॉन की, तो 1.0072 ले लीजिएगा, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे तो 1. यहाँ पर आएगा 1.00 लिख दिया मैंने, 1.6 था, 1.672 था, और इसका 1.675 हो गया, × 10⁻² दोनों में बराबर ही रहता, कितना रहता 27, यहाँ पर भी × 10⁻²-27, और ये रहेगा आपका केजी में, तो सब केजी में ही चलिएगा। ग्राम में लिखिएगा तो 24 लिख दीजिएगा, 24। मर्दन सिंह जी, बात मेरी समझ में आ रही। चार्ज की बात आती है तो वही है कि चार्ज कितना होगा, भाई इलेक्ट्रॉन पे है तो माइनस में होगा, माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होगा। यहाँ पर चलिए तो माइनस का 1. प्लस का हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम हो जाएगा। और इस पे आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज मैं लिखे दे रहा हूँ। लेकिन अभी आपको खास बात एक और भी बताऊंगा कि अगर डिस्कवरर की बात करता हूँ, तो अधिकतर लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, पता है जे जे थॉमसन साहब ने की थी, तो यहाँ पर जे जे थॉमसन साहब का नाम भी लिखे दे रहा हूँ, जे जे थॉमसन ने की थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। आपको गोल्ड स्टीन ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन लेवल पर गोल्ड स्टीन ही चलता है, क्योंकि न्यूक्लियस ने
न्यूक्लियस ने डिस्कवरी न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के नाम पर चली जाती है। तो यहाँ पर ई गोल्ड स्टीन, अगर पूरा नाम जानना चाहते हैं तो फिर ई गोल्ड स्टीन है, अदरवाइज आप गोल्ड स्टीन, अगर ईयर भी जानना चाहते हैं तो फिर मेरे हिसाब से 1886 मुझे जानकारी में है, और इसकी अगर याद करें तो 1897 है शायद, यहाँ पर 1897 है। एक बार आप लोग बुक से भी, जब क्योंकि 11th 12th की बुक से भी मिल जाएगा तो आपको, तो वहाँ से चेक भी कर लीजिएगा। और इसकी आपको पता है जेम्स चैडविक, तो अगर पूरा लिखना चाहो तो जगह भी है, आ भी जाएगा, जेम्स चैडविक लिखे दे रहा हूँ, जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी, और इसकी डिस्कवरी 1932 में गई है शायद, 1932 ही होगा, 1932 में गई है। तो ये पंकज जी, मैं आपको समझ में आ रहा है पंकज जी, बताइएगा क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। बाकी पंकज जी हैं और लुबना है, निशांत है ना, इनसे हम बार बार इसलिए पूछ रहता हूँ, कंचन मौर्या है, संजय तनवार जी है, स्वाति दीक्षित है, अनमोल है, गुलाब साह है, सुधीर है, तो ये सब बीच बीच में अगर बोलते रहेंगे तो मुझे लगता रहेगा हाँ मेरी वॉइस जो है इन तक पहुँच रही, बाकी उद्देश्य मेरा अभी आपसे कोई डिस्कशन करने का नहीं। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट कुछ बता दिया आपको, लेकिन आपके को ये बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनको फंडामेंटल पार्टिकल तो बोला गया है, लेकिन इनको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटम्स। ये भी इनको एक टर्म दिया गया है, जैसे जनरली आप लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हो, तो हमने एक टर्म नया इसमें जोड़ा जिसको हमने बोला बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एटम, एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक बोले जाते हैं। अब अगर जनरल मैं बात करूं कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई थी, तो आपको बता देना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था कि वो कैथोड रेज की हेल्प से किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो कैथोड रेज की हेल्प से हुई थी, यानी कैथोड रेज, CH8TH0DE, कैथोड रेज की हेल्प से हुई थी, है ना। तो ये अब आपको डायग्राम से तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि कारण ये कि इसमें इतनी ज्यादा हम गहराई में, गहराई का मतलब ये हमारी जरूरत नहीं है, ये PGT लेवल पर नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि कैथोड रेज कैसी थी, भैया कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज रेज थी, तो आप जानकारी रखिए नेगेटिवली चार्ज यानी रेज थी ये। बाकी आपको पता है ये फोटोग्राफी के प्लेट को काला कर देती हैं, आपको ये भी जानकारी होगी कि ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है झुक जाएंगी, इनके अंदर फोर्स होता है, ये इनकी जो शेडो है भाई जब ये चलती हैं तो इनकी टकराती, पिन व्हील अगर लगा दीजिए तो पिन व्हील मूव कर जाता है। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते होंगे, तो वो बातें मुझे यहाँ याद नहीं दिलानी है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो मुझे ज़रूरी लगते हैं मैं वहाँ लिखता चलूँगा। जैसे प्रोटॉन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये कैनाल रेज से इनकी डिस्कवरी हुई, तो यहाँ पर मैं कैनाल रेज लिखे दे रहा हूँ। इनको हम लोग एनोड रेज की जानकारी, एनोड रेज भी बोलते हैं, तो यहाँ पर एनोड रेज की भी हम डिटेल बताएंगे कि भाई एनोड रेज कौन सी थी। जो एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये पॉजिटिवली चार्ज थी तो पॉजिटिव टर्मिनल से जनरेट हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट है ना, ये भी है, आपको प्रॉपर वे में लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए आपको इंटरेस्ट भी आएगा, जरूर आएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी इन दोनों की हेल्प से हो गई, तो इनकी प्रॉपर्टीज पर नजर, जैसे अगर मेरे नोट्स में देखोगे तो आपको कैथोड रेज जो है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, कैथोड रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, और तो एनोड रेज किधर होंगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएंगी, है ना। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, ये भी पाल काला कर देती है, दोनों में फोर्स होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है, ये जो होती हैं स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, क्योंकि इनके आगे शेडो, अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी शेडो भी बन जाती है। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता हो जानी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कैथोड रेज को एक मॉडर्न नाम भी दिया गया, कौन बताएगा, मर्दन सिंह जी बताइएगा कैथोड रेज का मॉडर्न नाम क्या है, व्हाट इज द, यानी क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ, व्हाट इज द मॉडर्न, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ, मॉडर्न, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ, मॉडर्न नेम ऑफ, नेम ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज को एक मॉडर्न नाम भी दे दिया गया है। अगर आपको जानकारी में है तो मर्दन सिंह जी, पंकज जी, जिसको भी जानकारी में है बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं सर सोचिए, अगर नहीं आता तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आंसर क्या है बताएं, जल्दी से बोलिएगा, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द कैथोड रेज, कैथोड रेज का मॉडर्न नेम क्या है, बोलिएगा।
किसी को अगर जान, नहीं, एनोड रेज नहीं है नेहा जोशी, एनोड रेज नहीं है एनोड। आई एम आस्किंग व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द कैथोड रेज, कैथोड रेज का मॉडर्न नाम क्या है, जल्दी से बोलिएगा। ई बीम, दिलीप वर्मा जी ने आंसर दिया, ई बीम दिया है। ई बीम का मतलब बताएं, ई बीम का मतलब बताइएगा सुधीर। बीटा पार्टिकल नहीं है, ई बीम है, बिल्कुल सही बोला है दिलीप ने। बस ये बताइए कि ई बीम की फुल फॉर्म क्या है। बीटा पार्टिकल नहीं है, नहीं, अनमोल बीटा पार्टिकल नहीं है, नहीं। नेहा जोशी आप सही नहीं बोल रही, दिलीप ने नाम सही बोला, लेकिन ई बीम की फुल फॉर्म जानना चाहता हूँ। ई बीम ही है इसका एक्चुअल नाम जो है वो ई बीम ही है, लेकिन ई बीम की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। ई बीम ही इसका मॉडर्न नाम है और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम के नाम से जानते हैं। ये मॉडर्न नेम दिया गया सुधीर, है ना, तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन बीम के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, जानकारी में आपको रहना चाहिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम रेशियो को सेट करते हैं तो कैथोड का कैथोड रेशियो, तो ये भी आपको नोटिस में डाले देता हूँ यहाँ पर, इम्पोर्टेंट करके देखिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट आपको बताता चलूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, द रेशियो ऑफ, द रेशियो यहाँ पर, द रेशियो ऑफ किसका, ई अपॉन एम, द रेशियो ऑफ ई अपॉन एम। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है शायद, हो सकता है किसी की क्लास क्लास ना ज्वाइन हो पाई हो। चलिए देखें कौन कौन ज्वाइन कर चुका है, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट का समय दीजिए मात्र। चलिए देखता हूँ, कोई शायद कोई ज्वाइन नहीं हो पाया है, मुझे लग रहा है ऐसा, कोई फोन कर रहा है मुझे, चलो देखता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, एक मिनट का समय और दीजिए, उन्हें मैसेज कर दूंगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ ई, द रेशियो ऑफ कैथोड रेस की अगर मैं बात करता हूँ, द रेशियो, द ई अपॉन एम रेशियो, सही लिखना चाहिए, बातों में भूल गया, द ई अपॉन एम रेशियो, द ई अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेस, कोई बताएगा कितना होता है, जल्दी बोलिए, कैथोड रेस का ई अपॉन एम रेशियो कितना होता है, बोले साहब जल्दी बोलिए कितना होता है, कौन बोलेगा, पंकज जी बोलिए, दिलीप आप बोले फटाफट, जल्दी से बोलिए बोलिए कितना होता है वैल्यू, अगर आप बता पाएंगे अच्छी बात है। चलिए मैं ही बताता हूँ आपको, वैल्यू होती है इसकी माइनस की 1.76 इंटू 10^8 कूलम होती है, कूलम हो गया, और शायद पर ग्राम, कूलम पर ग्राम होती है, वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको मेरे हिसाब से याद करने चाहिए और रहने भी चाहिए इसको, है ना। चलिए दूसरी बात आपको बता देना चाहूँगा कि अगर हम लोग देखें तो थॉमसन ने जो मेजरमेंट किया था चार्ज मास का रेशियो, जो मेजरमेंट किया था वो मेजरमेंट जो है वो ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किया था। तो ई अपॉन एम रेशियो वॉज मेजर्ड बाई, फिर मैं स्टार बना करके लिखे दे रहा हूँ, चार्ज मास रेशियो यानी ई अपॉन एम रेशियो मैं लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर ई अपॉन एम रेशियो, रेशियो वॉज मेजर्ड बाई, वॉज मेजर्ड बाई बाई ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप, ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी पीजीटी में आ चुका है कि कौन से मेथड से इसको जो है चेक किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हुआ था। सही बोल रहा हूँ दिलीप जी, बताइएगा सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, और किसने किया था, रॉबर्ट मिलिकन ने किया था, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना,
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब इसी के साथ आपको और जानकारी थोड़ी देता हूँ, जैसे प्रोटॉन, ये तो मैंने एक जनरल जानकारी दी थी, ठीक है, वेरी गुड, नाइस। तो अब यहाँ पर क्या करना है मुझे कि पॉजिटिव रेज किसको बोला गया, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कैनाल रेज लिखा, एनोड रेज लिखा, तो इनको हम लोग पॉजिटिव रेज भी तो बोल सकते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इनको पॉजिटिव रेज के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं पॉजिटिव रेज भी लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, पॉजिटिव रेज भी आपको पता रहे कि ये पॉजिटिव रेज है। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है इसका ई अपॉन एम रेशियो, अगर चार्ज मास रेशियो की बात करिएगा, तो लगभग 1836 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, ये भी माना जाता है। और दोनों का, जो प्रोटॉन का मास है वो इसका मास लगभग, न्यूट्रॉन और इसके मास में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक में 7.2 है और एक में 7.5 है, जैसा कि मैंने पीछे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाती है, तो उसके बाद डिस्कवरी न्यूट्रॉन की भी आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया गया था, तो वो यहाँ लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई द बम्बार्डिंग ऑफ, पता होगा, बाई बम्बार्डिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, बम्बार्डिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल्स ऑन ऑन बेरिलियम एटम, है ना, बेरिलियम एटम पर एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन भी पता होना चाहिए, 2He4 पर, जब फोर बेरिलियम कितना था, 9 पर अटैक किया गया, तो आपको पता होगा कि नीचे बना था 6 कार्बन 12 बना था, है ना, और साथ में एक निकला था 0N1। ये पार्टिकल जब 0N1 का अटैक कराया गया, 0N1 जब उठाया गया और इसकी रेज को टकराया गया, तो देखा गया कि एक तरफ पॉजिटिव प्लेट थी, एक तरफ निगेटिव थी, ये किधर भी नहीं गया, सीधा जाकर के यहाँ पर स्ट्राइक किया, जिससे ये पता लगा कि इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, क्योंकि किधर भी इसने टर्न नहीं लिया, सपना, किधर भी इसने टर्न नहीं लिया। तो बिल्कुल आपको देखो नोट्स बनते चले जा रहे हैं, सपना देख रही है, नोट्स प्रॉपर वे में बनते चले जा रहे हैं, ये नोट्स भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो अब हमारे पास तीनों पार्टिकल की डिस्कवरी जब हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो फिर बात आती है कि आखिरकार ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल रहते कहाँ थे। तब ये समझ में आया कि इसका मतलब एटम के अंदर कोई भी एक ऐसा पार्ट जरूर होगा, यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी की भी बात हुई कि भाई न्यूक्लियस, तो यहाँ पर मैं डाले दे रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस लिखे दे रहा हूँ। और डिस्कवरी न्यूक्लियस की किसने की थी ये आपको पता ही होगा, जानकारी होगी आपको, बताओ सपना, डिस्कवरी न्यूक्लियस की किसने की थी, सपना किसने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी, जेम्स जेम्स चैडविक ने की थी। तो यहाँ पर मैं जेम्स चैडविक का नाम लिखे दे रहा हूँ, क्यों, सही लिखा है मैंने, गलत लिखा हुआ है, सही लिखा है गलत लिखा हुआ है, सपना बोलो, गलत है सही है, जल्दी बोलो, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस लुबना, चलिए, कभी कभी जागते रहो, इसे जागना कहते हैं, यानी कि किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, वेरी गुड नाइस, रदरफोर्ड ने की थी, और कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी वो भी आपको पता होगा। अब इसे मिटा देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर ये लिखा रह गया, तो इसको यहाँ से मिटा देना ही बेटर है। तो रदरफोर्ड ने की, चलिए रदरफोर्ड का नाम भी ऊपर ही लिखे दे रहा हूँ, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने की थी, जैसे जगते रहा करो, बीच बीच में आपको ऐसे ही कुछ ऐसे बोलूंगा शब्द जिससे आप जग जाएंगे, तो रदरफोर्ड हो गए। अब रदरफोर्ड ने जो की थी वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था, आपको पता होगा रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था, कौन सा था बताओगे आप, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नाम बोला गया था। सुधीर बिल्कुल एग्जैक्ट बोल रहे हो आप, ये मैंने न्यूक्लियस ले लिया और न्यूक्लियस के साथ में, ये मैंने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या होगी, मतलब एटम के चारों तरफ क्या होती है, शेल होती है, तो ये मैंने शेल ले ली, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये शेल मैं बना देता हूँ, तो ये मैंने आपको शेल बना करके दिखा दी, ठीक है, इसके अंदर एक शेल और बनाए दे रहा हूँ छोटी सी। तो अब क्या होगा, ये मैंने सामने जो है
वो इस तरीके से स्क्रीन लगा दी। जिंक सल्फाइड की जो है मैंने प्लेट लगा देता हूँ, तो सामने मैंने ये जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी इस तरीके से। अब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल टकराए, तो जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया, सपोज कर लेते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ गए तो इस यहाँ पर टकराए, इस एंगल पर टर्न कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ गए तो इस एंगल पर टर्न कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इसकी दीवार से टकराए न्यूक्लियस के तो यहाँ ऐसे चले गए, कुछ सीधे निकल गए, कुछ ये सीधे निकल गए, कुछ इस तरीके से टर्न कर गए, है ना, तो इस तरीके से। लेकिन एक पार्टिकल जो सेंटर वाला था वो इस तरीके से बीच में टकराया और बैक आया वापस, जिसने ये बताया कि मास जो होता है, मास जो होता है, बिल्कुल गोल्ड की फॉइल ही ली थी, बिल्कुल 100% गोल्ड की फॉइल ली थी, तो जो मास होता है वो सेंटर पर होता है, यानी कि एटम का जो मास है वो सेंटर पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉट मैंने बना रखे हैं ये इनकी स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि इन्होंने डॉट पे जाके जब लाइन टकराई तो इन्होंने स्कैटर किया इसको, है ना, तो यानी कि चमक पैदा हुई। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल, इससे पता लगा कि सेंटर पर जो मैटर है वो मास है, वो न्यूक्लियस है और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही रहे थे, तो इसलिए इनको बताया गया कि मास जो सेंटर पर है वो पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है भैया, प्रोटॉन होता है, ये भी आपको अच्छे से पता है, जानकारी है। तो अब यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि जो इसके मेन पॉइंट क्या थे, वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम कैसा था, मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, पार्ट ऑफ एटम कैसा था, हॉलो था, पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, खाली पड़ा हुआ था, पता है आपको, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था कि सेंटर यानी कि न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द, मैं मेन पॉइंट ही लिखे दे रहा हूँ, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड, न्यूक्लियस इज लोकेटेड लिखे दे रहा हूँ, सिचुएटेड ना लिखो, न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एट द सेंटर ऑफ द एटम, एट द सेंट्रल सेंटर ऑफ द एटम लिखूँ, एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर पर जो पार्ट था, न्यूक्लियस था, है ना, कंटेंस यहाँ पर भी लिखे दे रहा हूँ, कौन था इसके अंदर, प्रोटॉन भी थे इसके अंदर और साथ में कौन थे, न्यूट्रॉन थे इसके अंदर, ये बात भी आपको यहाँ पर बताया दे रहा हूँ, ठीक है, हॉलो था, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात और भी समझा देता हूँ आपको, कि ये तो मेन पॉइंट थे, बाकी तो आपको पता ही है कि क्या क्या इन्होंने इससे पूरा 99.9% पार्ट जो था, 99.9% जो पार्टिकल थे वो क्या हुआ, अनडिफ्लेक्ट हुए, केवल 0.1% पार्टिकल जो थे वो किसी डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में जो है आए थे, डिफ्लेक्शन जो हुआ था 0.1% का था मात्र, है ना, ये चीज़ भी जानकारी आपको रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब बातों से जब आई बात कि भाई न्यूक्लियस भी पता लग गया एटम के अंदर, तो एटम के अंदर तीन चीज़ें दिखाई दी, कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दी एटम के अंदर भाई, एटम के अंदर तीन चीज़ें हमें दिखाई दी, जिनका नाम था, क्या नाम था, एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, एक का नाम था प्रोटॉन, एक का नाम था न्यूट्रॉन। तो ये तीनों पार्टिकल हमें ऐसे करके दिखाई दिए, मैं यहाँ पर तीनों बना दे रहा हूँ, दोबारा दोबारा नहीं डिटेल लिखूंगा, परेशान आप ना होइएगा कतई, लेकिन हाँ एक पैटर्न, एक लाइन लेंथ जरूर पढ़ाते समय मिलनी चाहिए, वो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपका क्या लिख दिया, यहाँ लिखे दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, लिखे दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर मैं प्रोटॉन, लिखे दे रहा हूँ प्रोटॉन, लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर मैं न्यूट्रॉन, लिखे दे रहा हूँ। लेकिन इनको लिखने का मेरा पर्पस क्या है, वो पर्पस ये है कि एटम के अंदर ये तीनों चीजें हैं, तो आखिरकार एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, यानी मॉडल्स की बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार एटम का मॉडल क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अलॉन्ग विद दीज फंडामेंटल पार्टिकल, दीज थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा नियरली 200 अदर पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द एटम, एटम के अंदर इनके अलावा भी और पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने नेगेटिव पाई मीजोन, पॉजिटिव पाई मीजोन, न्यूट्रल पाई मीजोन, आपने ये सब सुने होंगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सब पार्टिकल, हाइड्रॉन, है ना, तो ये सब पार्टिकल आपने सुने होंगे, तो ये पार्टिकल भी एटम के अंदर ही पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल से अलग रखते हैं, कि ये गॉड, आपने गॉड पार्टिकल, हाइड्रॉन का नाम भी सुना होगा कि भाई गॉड पार्टिकल भी एक डिस्कवर हुआ था, तो इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। खैर अब एटम के जब मॉडल की बात आती है,
तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर डिस्कशन करना चाहूँ तो आपसे कहूँ कि भाई थॉमसन मॉडल मुझे बता दीजिए। चलिए, थॉमसन मॉडल मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा थॉमसन मॉडल की, कि थॉमसन मॉडल ने ये समझाया था कि एटम इज लाइक ए वाटरमेलन, है ना, वाटरमेलन की तरह भी इन्होंने बताया था। दूसरी चीज़ है, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला था, तो वो चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई यहाँ पर ये मैंने बना दिया, चलिए ये मैंने तरबूज वाला ही बना देता हूँ, वाटरमेलन मॉडल ही बना देता हूँ इसको, ऐसे करके तो ये मैंने वाटरमेलन मॉडल बना दिया, इस तरीके से तरबूज बना लूँ भाई, चलो ये इस तरीके से, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा वाटरमेलन मॉडल। इसमें रेड कलर के जो है वो सीड ऐसे करके लगा दीजिए, ये रेड कलर के सीड लग गए, निशांत बात आप मेरी समझ में आ रही, मेरी वॉइस आ रही निशांत। तो ये मैंने यहाँ पर सीड, तो जो सीड थे, जो सीड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सीड जो थे वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो यहाँ पर रेड, जो यानी कि जो ब्लैक सीड, यानी मैंने रेड सीड बना दी है, लेकिन अब जो क्योंकि बना नहीं सकता हूँ दूसरा पार्ट, तो जो रिमेनिंग रेड मास था, तो ऐसा करता हूँ सीड जो है वो फिर मैं बना देता हूँ येलो कलर के सीड बना दूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये येलो कलर के मैं सीड कर देता हूँ, और रेड मास फिर मुझे बोलने में दिक्कत आएगी ना, तो यहाँ पर येलो मैं सीड कर दे रहा हूँ, और जो रेड मास है वो इस तरीके से बना देता हूँ, रेड मास, है ना, रेड मास बना देता हूँ ये। चलिए, रेड मास बनाने के लिए मुझे ब्रश उठाना पड़ेगा। चलिए, इस तरीके से मैं रेड मास इसका बना दे रहा हूँ, तो ये रेड मास अंदर मैंने बना दिया। चलिए, ये रेड मास हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, तो ये रेड मास मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर रेड मास मैंने लिख दिया। ये क्या है, ये आपका न्यूट्रॉन और साथ में प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आपको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये सब मॉडल्स थे, लेकिन ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस मॉडल वॉज फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि ये दोनों की न्यूट्रलिटी को भी नहीं बता पाया भाई। रेड मास ज़्यादा होगा जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम होंगे, तो दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। एक तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन एज वेल एज स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इन चीज़ों को हम लोग को, इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये प्लम पुडिंग मॉडल भी हो सकता है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल को आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं भाई। रेजिन, आपने देखा होगा कि रेजिन धंसे रहते हैं, वो चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट। अब इसके बाद जो मॉडल था वही जो हमने स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल, इन्होंने इम्प्रूवमेंट भी किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं लिख करके आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल की बात करूँ, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि एटम के अंदर भैया दो पार्ट हो जाते हैं। एटम के अंदर कितने पार्ट हुए, दो, एक तो न्यूक्लियर पार्ट कहलाया और दूसरा कौन सा था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था। तो इस तरीके से अभी ड्रॉबैक भी बताऊंगा रदरफोर्ड का क्या था, लेकिन इन्होंने दो पार्ट बताए कि भाई एटम जो होता है उसके दो हिस्से हो गए, एक क्या हो गया, एक हो गया आपका न्यूक्लियस और दूसरा हो गया कौन सा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो यहाँ पर ए और बी के पॉइंट में लिख दूँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो पहला पॉइंट लिख देता हूँ न्यूक्लियर पार्ट बताया इन्होंने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियर पार्ट, मेरी वॉइस आ रही है ना। और दूसरा यहाँ पर बी पार्ट जो है वो लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि जो रदरफोर्ड ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई थी, वो ये बता दी थी कि जो न्यूक्लियस था इसका साइज, यानी न्यूक्लियस का जो साइज था वो यही साफ बता करके चले गए। साइज कितना था, ये था आपका 10^10, बोलिए न्यूक्लियस का साइज 10^-, बोले नहीं बता पाएंगे कोई लोग, बोलिए मैं लिख जगह छोड़ रहा हूँ, न्यूक्लियस का साइज बताइएगा, बोले कोई लोग, बोलिए 10^-15,
हाँ वेरी गुड, ठीक, 15 हो गया, या इसे हम लोग 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं, 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं, 1 FM भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, सही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग एटम के साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो एटम का जो साइज है वो वेरिएशन में चलता है, 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, 10^-10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये साइज बोला जाता है, जैसा कि आपको जानकारी में है, ठीक है। और अगर एटम के साइज की बात करें तो 10^-10 1 एंगस्ट्रॉम से चलता है, और 10^ कुछ किताबें जो हैं वो देती हैं, जैसे अगर आपने न्यूक्लियस के साइज की कुछ किताबों में ये साइज सही बोल रहे हैं दिलीप सिंह, कुछ किताबों में ये 10^-12 से लेकर के 10^-13 मीटर तक भी, सॉरी 13 सेंटीमीटर करके दिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है वही मीटर में जब आओगे तो इसी कंडीशन में पहुंच जाएगा, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है ना दिलीप, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसलिए आप जब भी लिखिए तो यूनिट जरूर लिखिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, जैसे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 10^-8 सेंटीमीटर लिख दूँ तो अभी डाउट पैदा हो जाएगा, है ना, अभी डाउट पैदा हो जाएगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। लेकिन इसने क्या बताया था, इस मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी वही रहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से रिवॉल्व करेगा कि स्पाइरल पाथ बना लेता है, और अल्टीमेटली इट विल फॉल डाउन इनसाइड द न्यूक्लियस, धीरे धीरे जो फोर्स लगता है, जो फोर्स की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा, और गिरने के बाद क्या हो जाएगा कि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसकी वजह से सर्कुलर पाथ बनाएगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है ना आउटवर्ड, वो बैलेंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करता है, उसकी वजह से ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो है वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा और नीचे न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा। तो लेकिन इसी बात को बाद में बताया गया कि सोलर सिस्टम के बेस पर इसको भी है, पर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता, इसी में मॉडिफिकेशन किया गया था, इलेक्ट्रॉन बोहर ने किया था कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रिवॉल्व जब करेगा तो ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप तो कर जाएगा, अगर एनर्जी मिलेगी तो जंप कर जाएगा, और एनर्जी अगर लॉस करेगा तो डाउन आ जाएगा, तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक रहा। तो दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो यहाँ लिख देता हूँ, दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि एनर्जी धीरे धीरे लॉस करेगा, अल्टीमेटली इट विल फॉल डाउन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये एक प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन की तरह भी बिहेव करते हुए समझाया गया था, तो इसी को बोहर ने बाद में इम्प्रूव कर दिया था, बोहर ने बताया था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये शायद अभी आपको मैं बताऊंगा 10 मिनट में, 5 मिनट में। तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल, उसका मेन ड्रॉबैक भी पूछा जाता है ना। लेकिन अगर आपको जानकारी हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि न्यूट्रॉन के तरीके क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो एक तरीके का नहीं होता, न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम से भी पैदा होते हैं, न्यूट्रॉन अटैकिंग से भी, कुछ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो न्यूट्रॉन की कैटेगरी भी जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, स्लो न्यूट्रॉन भी होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन भी होते हैं, है। उसके बाद मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ने ये बताया था कि न्यूट्रॉन डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, तो ये बात भी मन में रखिएगा कि न्यूट्रॉन जो जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रिएक्शंस को कराने के लिए। तो यहाँ नोट कर लीजिए, आपको जानकारी हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो स्लो मोशन वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, स्लो स्लो न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव इन द फिजन रिएक्शन, ठीक है ना, फिजन रिएक्शन, पता थी दिलीप आपको बात, ये नहीं, फिजन रिएक्शन में, यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं, लेकिन जो स्लो होते हैं वो वहाँ पर ट्रांसम्यूटेशन कर देते हैं,
तो इसलिए ये जानकारी आपको रहना चाहिए कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फिजन में एज कम्पेयर टू फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, एज कम्पेयर टू फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में। ठीक है ना? क्यों भाई मर्दन सिंह जी, आपको जानकारी थी? निशांत बताओ भाई, कभी कभी बीच में हमें भी बता रहे कि नहीं, हम जिस लेवल पर जाने की कोशिश अब धीरे धीरे करेंगे, क्या वहाँ तक हम सही चल रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी के आगे कंटिन्यूटी को बनाने के लिए, कि अब मैं यहाँ पर आपसे छोटी छोटी बातें तो नहीं करूँगा कि अगर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है तो रदरफोर्ड मॉडल के साथ में ये भी पढ़ना जरूरी हो जाता है कि अगर मैंने कोई एलिमेंट यहाँ पर एक्स ले लिया है तो यहाँ पर ये जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ए जो होता है वो मास नंबर होता है ना? ये ए जो होता है वो मास नंबर होता है। तो यहाँ पर जेड मैं लिख दिया, जेड क्या हो गया भैया? एटॉमिक नंबर हो गया। यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर लिख के दे रहा हूँ, ये कुछ लोगों को जानकारी सभी होगी, ए जो होता है वो मास नंबर होता है, मास नंबर हो गया। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये सब पता है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे, है ना? और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। ये सब न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पता करना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो क्या होगा? ये ए माइनस जेड हो जाता है। ये सब न्यूट्रल एटम की बात होगी, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, न्यूट्रल एटम लिखे दे रहा हूँ। क्लास एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड में चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पर हो गया न्यूट्रल एटम की बात करूँ, अगर मैं पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए कभी सपोज कर लीजिए एनायन की बात जब करूँगा तो एनायन में खास बात आपको ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपको जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज, तब हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना? इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटाइन की मैं बात करूं तो कैटाइन में नंबर ऑफ, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन जोड़ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालने तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन करना पड़ेगा माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज करना पड़ेगा, तब हम लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि आखिरकार यहाँ पर क्या कंडीशन है। ये न्यूट्रल वाली अलग होती, कैटायन आयन की कंडीशन अलग होती है, आपको पता ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला आपको और भी जानकारी में दे देता हूँ कि न्यूक्लियर साइज उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करने की, यानी कि कैसे निकालते हैं उसका क्या फार्मूला होता है, तो आपको जानकारी ये भी हो जाए, ज़्यादा बेटर है। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला है, आर इज इक्वल टू होता है आर नॉट ए की पावर हो जाता है 1/3। तो ये रेडियस हो गया आपका, रेडियस किसका हो गया? ये रेडियस की कैलकुलेशन हो गई, किसकी? न्यूक्लियस की हो गई। तो न्यूक्लियर साइज और उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, 1/3 है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, ये मैंने बना दिया। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ कि आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये पूछी जा सकती है। तो आर नॉट की वैल्यू जो होती है 1.3 × 10⁻³⁻³ सेंटीमीटर होगी, है ना? सेंटीमीटर में होगी, ये ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर में होगी। कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि सर ये वेरिएशन भी चलता है, कहाँ से 1.5 तक जा सकता है, × 10⁻³⁻ यानी कि 13 सेंटीमीटर तक जा सकता है। तो ये 1.3 से 1.5 सेंटीमीटर तक का वेरिएशन, 2 कर देता हूँ, ये यहाँ तक वेरिएशन जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू क्या हो सकती है, मर्दन सिंह जी ध्यान रखेंगे ना? चलिए, अगर हम लोग वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का मानते हैं तो पता है कि वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का कितना होता है? 4/3 πr³ होता है, जो स्फेरिकल माना जाता है। न्यूक्लियस भी स्फेरिकल ही माना जाता है, और इसका जो रेशियो होता है, ऑर्डर होता है न्यूक्लियस का, रेडियस ऑर्डर अगर आप जानना चाहते हैं तो रेडियस ऑर्डर जो होता है, रेडियस ऑर्डर की जो रेंज होती है वो अभी आपने लिखी थी 10⁻¹⁵ रहती है। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 10⁻¹⁵ मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए, अब इसी के चलते चलते हम लोग ये भी जानकारी ले लेते हैं कि जो हमने ये सब कंसेप्ट पढ़ा है इसको अपडेट करने से पहले आपको ये बता देना चाहूँगा, कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपकी जानकारी में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पढ़ाने हैं चूँकि।
देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने हमेशा पढ़ाया कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। पता होना चाहिए आपको कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन जरा सुनना चाहता हूँ, कौन सुनाएगा मुझे आइसोटोप्स की डेफिनेशन? बहुत सिंपल है जी। अनमोल बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? अनमोल बोलिए। हेलो, कंचन, कंचन मौर्य, समझ में आ रहा है आपको? एक बार रेज योर हैंड करिए। कंचन मौर्य बोलिएगा, आपकी वॉइस सुनना चाह रहा हूँ जी। कंचन बोलिए, रेज योर हैंड पर क्लिक करिए। संजीव भाई, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ सर, पर रेज योर हैंड पर क्लिक करके बोलिएगा सर। संजीव जी, संजीव भाई बोले। जी संजीव भाई, हेलो जी। संजीव सर बोलिए। जी कंचन बोलिए। मिनट का समय। हेलो जी संजीव भाई बोले। पंकज बोलिए। बोलिए बोलिए पंकज जी बोलिए। हेलो सुधीर, बोलेंगे कुछ? हेलो। हेलो। सुधीर बोलिए। जी सर हाँ सर नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए सुधीर। सर आइसोटोप आर से हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड जी डिफरेंट एटॉमिक मासेस। चलिए चलिए, आप आ गया, आपने एक लाइन में सिर्फ आवाज सुनना चाह रहा था, बाकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। चंचन बोलो। प्रीति बोलिए। प्रीति बोलिए। एटम ऑफ सेम एलिमेंट चलिए हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक ठीक है ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है ना? ठीक है, चलिए साकिब जी बोले। संजीव जी बोलिए। संजीव जी अब बोलिए, आप अपने माइक लगाइए उसमें और रेज योर हैंड पर क्लिक करके बोलिएगा। बोलिए, पहले मैं आपको एक बार, आज बहुत सारे लोगों से डिस्कशन इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि आप ऐप पर थोड़ा डिस्कशन करना सीख जाए। शिवानी त्यागी ने लिखा है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। वेरी गुड, नाइस। संजीव भाई बोलिए। चलिए खैर, कोई बात नहीं, अगर आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो एटम्स के आइसोटोप्स की डेफिनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की। मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दी दे रहा हूँ कि 17 क्लोरीन 35 की अगर मैं बात करता हूँ, इसी तरीके 17 क्लोरीन 37 की बात करता हूँ जी। संजीव भाई बताइए। कंचन बोलो।
बोलिए कंचन मौर्य, आपका नेटवर्क इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, तो ये आइसोटोप्स हो गए, इसी तरीके से आपने पता पढ़ा होगा, आइसोबार भी पढ़ा होगा। चलिए अब ज्यादा ना परेशान। जी संजीव भाई, आप बताइए, आपने माइक ऑन कर लिया है? संजीव भाई, जी संजीव जी बोलिए। संजीव जी बोले, आपका शायद माइक हमें लग रहा है ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, इसलिए काम नहीं कर पा रहा है। आप उसमें लीड लगा करके सर बात करिएगा तो कर पाएंगे आप। देखिए आइसोटोप की बात हो गई, अब मैं आइसोबार की बात कर दे रहा हूँ, बाद में आपसे मैं बात करूंगा। आइसोबार की बात कर दे रहा हूँ तो आइसोबार कौन से होते हैं, चलिए इस पे डिस्कशन लंबा इसलिए नहीं करूंगा, मैं आपकी बात सुनना चाह रहा था। देखिए आइसोबार्स में क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ एटम्स ऑफ, यहाँ लिखे दे रहा हूँ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एलिमेंट्स विद विद सेम मास नंबर, सेम मास नंबर हो जाएगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा आपका क्या, एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो यहाँ पर 18 आर्गन ले लेता हूँ और ऊपर मैं 40 ले लेता हूँ, इसी तरीके से 20 कैल्शियम भी 40 ले लेता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल में एक आइसोटोन भी पढ़ा था, तो यहाँ पर मैं आइसोटोन भी लिखे, सपना बताओ व्हाट इज आइसोटोन, चलिए ये सपना का नंबर है, सपना बताइए क्या आइसोटोन क्या होता है, सपना बोलिए व्हाट इज आइसोटोन, सपना बताओ कि व्हाट इज आइसोटोन, बोलिए जल्दी। चलो ठीक है, तो आइसोटोन्स में मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ क्या होते हैं, बोलेंगे कोई लोग, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर से नहीं, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो सेम होते हैं, तो अनमोल ने बोला हुआ भी है सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन की बात बोली है जी। प्रीति बोलिए, सर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जी, बिल्कुल बिल्कुल, नाइस गुड। तो प्रीति जो है अभी तो आप इसी बैच में कंटिन्यू कर रही हैं, करते रहिए ठीक है ना, 15 अप्रैल तक अभी आप हैं, आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए। और आपको क्या आज कुछ महसूस हो रहा है कि ठीक लग रहा है, शुरुआत से बैच चल रहा है? जी सर, रिवीजन हो जा रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए चलिए, ओके ओके, थैंक यू। चलिए ओके, अब यहाँ पर आइसोटोन्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वेरी गुड नाइस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन लेकर के छोड़ता हूँ यहीं पर, आगे कंटिन्यू आपसे करूंगा। एक तो आप मुझे भेजेंगे लिख करके कि आइसो डायफर्स क्या होते हैं, आइसो डायफर्स क्या होते हैं, आइसो डायफर्स बताइएगा क्या होते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा। और एक आइसो एस्टर्स भी होते हैं, आइसो आइसो एस्टर्स भी होते हैं, तो आइसो एस्टर्स भी होते हैं ये आपको बताना है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता ही है, तो यहाँ पर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आपसे पूछे लेता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होते, तो ये इतने टर्म भी आपको पता होने चाहिए। तो एक तो आइसो डायफर्स होना चाहिए, आइसो एस्टर्स भी होते हैं है ना, आइसोमर्स भी होते हैं, तो यहाँ पर मैं आइसोमर्स भी लिख दे रहा हूँ, ये टर्म आपको पता रहने चाहिए, तो इनका जवाब आपसे चाहिए मुझे है ना, क्या चाहिए। एक तो आइसो डायफर्स आप लिख करके भेजिएगा, सर आइसो डायफर्स क्या होते हैं, आइसो एस्टर्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं
है ना, आइसोमॉर्फ्स भी एक वर्ड होता है, तो वो भी मुझे बताइएगा आइसोमॉर्फ्स भी क्या होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है जो पीजीटी में ऑलरेडी आ रखे हैं। अब मैं जाकर के लेवल को बढ़ाऊंगा, कल से इसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और इसीलिए आप बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। मैं आपको एकदम अप टू द मार्क लो लेवल से हाई लेवल पर लेकर के जाऊंगा। जब बोहर मॉडल में घुसूंगा, एंट्री लूंगा, तो न्यूमेरिकल के साथ जो न्यूमेरिकल की समस्याएं थी उनका समाधान भी करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले संजीव भाई, सेम नाम संजीव भाई, आपका माइक नहीं सही है क्या? कुछ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपसे मेरी बात नहीं हुई। संजीव जी, क्योंकि आपसे बात करना मेरा जरूरी है। संजीव जी, संजीव भाई बोलिएगा जी। कट जा रही है आपकी आवाज, कट जा रही है, आपसे बात नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। आज की इसी के आगे आप थोड़ा सा लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ाऊंगा। आइसोस्टर्स आर द सेम नंबर ऑफ एटम्स विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिमिलर बॉन्डिंग। ठीक है सपना, सही बोल रही हो। ठीक ओके, आज फिर इतना ही रखता हूँ, क्लास को कंटिन्यू कल करूंगा। अच्छा चलिए संजीव, आपसे बात कर लेता हूँ। आपका कुछ माइक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे अनुमान है माइक आपका दिक्कत कर रहा है जी। हाँ संजीव भाई, आपका माइक शायद प्रॉब्लम कर रहा है जी। संजीव भैया अब यस सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या? माइक डिस्टर्ब है क्या? हाँ तो कुछ लग रहा है सर। नहीं, अब बिल्कुल सही आवाज आ रही है, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब हम आपसे बात करेंगे तो वन टू वन बात चलेगी, डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई टोकेगा नहीं आपके बीच में, यस सर, यस सर, है ना। ये बताइए कि हम बिल्कुल लो लेवल से चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यस आपको? सर, भी हो जाएगा। और यस ये अब हम जब कल चलेंगे तो थोड़ा टफेस्ट की तरफ चलेंगे, फिर हम क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी कराते रहेंगे, और सैटरडे को कम टेस्ट लगा देंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड पूरा। सही रहेगा ना? ओके, यस सर, अच्छा रहेगा। हाँ, उसमें यह है कि आपका रिवीजन भी चलेगा, आप सुनते भी रहेंगे, आपको याद भी आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, और ये ऑलरेडी आप रोज पढ़ाते ही होंगे, इसमें भी कोई फर्क नहीं। यस सर, चलिए और बताइए, ठीक है सब? बढ़िया सर, चलो चलो, ठीक, ओके। माइक अपना अपडेट रखिएगा, ठीक है? ओके। ओके भाई जी। प्रीति जी, प्रीति जी, चलिए ठीक है, सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग, गुड नाइट। निशांत कुछ कहना चाह रहे हैं? निशांत बोलिए। निशांत बोलिए। हाँ निशांत बोलिए। हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए। नहीं, सर इसकी पीडीएफ सर ऐप में मिलेंगी या फिर डाउनलोड हो सकते हैं? ऐप पर मिलेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, हो जाएगी। ओके सर, थैंक ठीक यू। है चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। जी प्रीति, सर इसकी रिकॉर्डिंग सर रात में डाल दीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैडम इस पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। 3, मतलब मान के चलिए 8, करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो सुबह आप देखिएगा, सुबह, ठीक है, सुबह देखिएगा। और सर इसकी नोट्स? नोट्स जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, पूरा चैप्टर अच्छा, हो जाएगा, तो मैं प्रॉपर इसी की जो मैंने लिखा है ये सब पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और सर हमारे ना हर संडे को ना सर टेस्ट ले लीजिएगा, संडे या सैटरडे। सैटरडे रख दिया है मैंने, सैटरडे रख दिया, थर्सडे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके। थैंक यू सर।